we were talking about the word liquid or liquids. Here it is used as plural, but मैंने आपको start में बताया कि हम liquid और responsibility को general इसको हम liquid और responsibility ही use करते हैं, but in some specific case we use its plural form. For example, जब इसमें हम किसी numbers को represent कर रहे हैं या हम इसकी ज़्यादा तादाद को represent कर रहे हैं तो तब हम इसको as liquids use करेंगे, but it can be used as liquid. Here it's plural form sentence. We saw various types of liquids. Okay students, it's clear कि means कि यहाँ पर ये हमारे पास word liquids as countable use हो रहे हैं. We saw various types of liquids कि हमने कुछ types देखी liquid की, और जब इसके साथ हमने various types लगा दिया mean कई किस्म की हमने उसकी types देखी, लेकिन वो type क्या थी? Countable थी. सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने liquids को as countable use किया हुआ है. अगर हम इसको अनकाउंटेबल के तौर पे यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास सेंटेंस आएगा, देर वॉज अ टॉल ग्लास ऑफ क्लियर लिक्विड इन हर हैंड. इफ़ वी यूज़ इट्स अनकाउंटेबल फॉर्म द सेंटेंस विल बी देर वॉज अ टॉल ग्लास ऑफ क्लियर लिक्विड इन हर हैंड. मीन हेयर इट इज़ यूज्ड एज अनकाउंटेबल नाउन. मीन हम नहीं बता सकते कि ग्लास में कितनी क्वांटिटी है लिक्विड की, वो फुल है, हाफ है, या बिल्कुल थोड़ा सा उसमें पाए जाते हैं. मेरे ख्याल से आपको लिक्विड और लिक्विड्स का फ़र्क क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वर्ड इज़ रूफ एंड इट्स रूफ एंड इट्स प्लूरल फॉर्म इज रूफ्स. मून लाइट स्पिल्ड अवर ट्राइंगुलर रूफ्स इन टू ग्रासी फ्रंट यार्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रदर इन लॉ and its plural is brothers in law. I wonder what the brothers in law spoke about at family gathering. Next word is goose and its plural form is geese. Immense numbers of ducks and geese were reared. Immense numbers of ducks and geese were reared. Next word is responsibility and its plural form is share. I have written responsibilities, but I have used both in both sentences. यहाँ पर मैंने इसको plural form responsibilities लिखा हुआ, लेकिन इसको मैंने दोनों वे में use किया है, in responsibility and also in responsibilities. जब ये हमारे पास responsibility के sense में आएगा तो हम इसको uncountable consider करेंगे. For example, he also had a sense of responsibility. मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कितनी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है. और जब हम इसको अनकाउंटेबल के तौर पे यूज़ करेंगे तो इसका सेंटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सेंस में आएगा. फॉर एग्जांपल, अली फेल्ट डैट देयर अपॉइंटमेंट प्लेस्ड मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपॉन हम. मीन कि आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं या आप इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं, मीन्स आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अपने खुद को बेटर करना है, अपनी स्टडीज़ को बेहतर बनाना है. उसके अलावा और उन्होंने सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टाइम पे स्कूल पहुंचना है, अपनी बुक्स को मेंटेन करना, ये तमाम छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे वर्ड हमारे पास आ रहा है जी ग्रेट आंट, एंड इट विल बी इट्स प्लूरल विल बी रिमेन सेम. ग्रेट आंट ही होगा इसका प्लूरल. और ग्रेट आंट मैं आपको जहाँ पर बता दूँ, आप इसको ये भी कह सकते हैं एन आंट ऑफ योर फादर और मदर. आपके फादर या मदर के रिलेशनशिप में कोई आपकी आंट हैं तो उसको आप ग्रेट आंट कहेंगे. योर ग्रेट आंट वॉज अ काइंड लेडी. नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टोरी एंड वी हैव इट्स प्लूरल फॉर्म लाइक स्टोरीज. आई कैन रीड स्टोरीज इन माई बुक. ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज आर टूडेज टॉपिक एंड यू हैव कम्प्लीट योर एक्सरसाइज ए एंड बी ऑन योर बुक्स and exercise C on your notebooks. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.